हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सरसरी चंद और एक और आज नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में पेश हूँ, वो है ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। जी हाँ, तो हम दो सेट के ऑपरेशंस आज करने वाले हैं, जो के हैं हमारे यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। तो सबके एक एक एग्जाम्पल के जरिए आज हम जानेंगे कि इनके ऑपरेशन कैसे होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी भाई, तो ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स जो आज हम करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हमारा जो है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। जी, तो टू सेट्स के बीच में आज हम सबसे पहला जो एग्जांपल करने वाले हैं वो है यूनियन। सबसे पहले यहाँ ए के एलिमेंट दिए हुए हैं, ए इज इक्वल टू 1, 2, 5, 8, B is equal to 1, 3, 5, 9। इन दोनों को हमें क्या करना है, यूनियन करना है। सिंपली अगर मैं कहूं कि यूनियन का मतलब ये होता है कि दो सेटों को आपस में मिला के लिखना, दो सेटों को आपस में मिला के लिखना और एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना। कैसे आए जरा जानते हैं। A साइन है यूनियन की, A यूनियन B is equal to, दोनों सेट्स को मिला के लिखना है। यहाँ है 1, 2, 5, 8, यहाँ है 1, 3, 5, 9। तो जान लेते हैं 1, 1 यहाँ भी है। तो जो वर्ड कॉमन हो, जो एलिमेंट कॉमन हो, उनको हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, फिर यहाँ क्या है 2, कॉमा देके 2 लिखेंगे, कॉमा यहाँ पे क्या है 3, 3 लिखेंगे, फिर क्या है 5, 5 लिखेंगे, फिर क्या है 8, 8 लिखेंगे, एंड देन क्या है 9। तो देखें यहां हमने दोनों सेट्स को ए और बी के सब एलिमेंट्स को मिला के लिखे हैं। पॉइंट क्या थी कि जो कॉमन था, जैसे 1 यहां हो गया तो 1 हमें एक बार लिखना है, और हमने सीक्वेंस लिए कौन सी, असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा बड़ा 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 एंड देन सबसे बड़ा। ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का, बहुत ही आसान था। आए देख लेते हैं दूसरा हमारा क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब हम करने जा रहे हैं दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन के ऑपरेशन कैसे होते हैं। सिंपली इंटरसेक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि दो सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे ऊपर वाले में 1 था, इधर भी था, उधर भी था, तो इसी तरह इंटरसेक्शन में जो कॉमन होंगे, यानी कि जो एक जैसे होंगे, वही एलिमेंट हम उठा के रखेंगे और वही हमारा आंसर होता है। समझ आ रही है बात। आए जरा जान लेते हैं। सपोज मैं यहां लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन B is equal to, अब देखते हैं कि कौन से मैच कर रहे हैं। यहाँ है A, B, C, D और B में क्या है B, B, E, F। तो भाई यहाँ और यहाँ एक चीज कॉमन नजर आ रही है, यहाँ भी B है, यहाँ भी D है, यहाँ ये लिखे हैं B भी है, D भी है। तो ये जो दो एलिमेंट हैं, दोनों सेटों में कॉमन है, इस वजह से हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, B and D। सिंपली बहुत आसान है। फिर से एक बार, यहाँ भी बी था, वहां भी बी है, यहाँ भी बी था, यहाँ भी डी है, तो दूसरा कोई दोनों सेट में कॉमन नहीं है, यानी मैच नहीं कर रहा। जो मैच कर रहे थे वो थे हमारे बी और डी। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या हुआ, बी एंड डी। आज जानते हैं तीसरा ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के बीच में डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस, माइनस करना। कैसे, ए माइनस बी, यानी ए सेट में भी दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना। आए कैसे करते हैं जरा जान लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू, करना क्या है कि ए सेट से बी सेट के मेंबर क्या करने, माइनस करने। कौन से वाले, जो ए में भी हो और बी में भी हो। फिर से बता, जो ए में भी हो और बी में भी हो। पॉइंट समझ आ रही है, कैसे जरा जान लेते हैं। यहां है दो, तो क्या यहां दो है, हाँ जी यहां भी दो है, ये क्या कर लेंगे हम, काट लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ चार है, क्या यहाँ चार है, जी हाँ यहाँ भी चार है, यहाँ चार काट लिए, यहाँ भी काट लिए। फिर सेट में है छह, क्या यहाँ छह है, नहीं। यहाँ आठ है, क्या एट यहाँ है ए में, नहीं, ए में एट भी नहीं है। तो जो कट रहे थे वो कौन से कटे, एक कटा हमारा 2 और दूसरा कटा 4। अब ए से बी के कट गए, जो कट रहे थे, जो कॉमन थे वो हमने काट लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या कर रहे थे, जो कॉमन थे वही रख रहे थे, वही
आंसर था अपना डिफरेंस में हम क्या कर दें जो कॉमन है उनको काट देंगे। अब बचेंगे जो सिर्फ ए में, जो ए में बचेंगे हम बी को छोड़ देंगे, जो ए में बचेंगे वो ही हमारा क्या होने वाला है आंसर होने वाला है। तो भाई ए में कौन से बचे, एक वन बचा है, दूसरा थ्री बचा है, तीसरा फाइव बचा है, तो वन थ्री फाइव ये हमारा क्या आ गया ए डिफरेंस बी का आंसर, यानी कि ए माइनस बी का आंसर। ठीक है जी, फिर से एक बार पॉइंट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन में क्या हुआ था, जो ए और बी में कॉमन थे यानी एक जैसे थे वही लग रहे थे वही हमारा आंसर था। डिफरेंस में क्या हो रहा है, ए और बी के जो कॉमन है वो काट लेंगे और बाकी जो सिर्फ ए में बी में नहीं सिर्फ ए में बचेंगे वही हमारा आंसर होगा। जी आगे बढ़ते हैं, चौथा हमारा ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये भी डिफरेंस का एक टाइप है। ठीक है जी, ये भी दो सेट से बीच में होता है, कैसे होता है जरा जान लेते हैं। सबसे पहले ए में उन्होंने दिया हुआ है 1 2 3 4 6 एंड बी में है 1 3 5 7 जी, तो इनका लिखने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी, ये भी ए माइनस बी ही होगा जैसे वो डिफरेंस था, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्या चेंज है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो कट कौन से रहे आए जरा वो जान लेते हैं, यहाँ वन है क्या वहां है, हाँ जी वहां भी है, तो वन हमारा क्या हो गया कट हो गया। यहाँ क्या है थ्री है, वहां यहाँ टू है वहां नहीं है छोड़ दें, यहाँ थ्री है वहां भी थ्री है, यानी कि थ्री हमारा क्या हो रहा है कट हो रहा है। यहाँ फोर है क्या वहां है, नहीं वहां नहीं है छोड़ देते हैं। यहाँ सिक्स है क्या वहां है, जी नहीं है, इसलिए जो भी कॉमन थे वो कट हो गए। उसी तरह जैसे हमने यहां देखे थे कि डिफरेंस में क्या हो रहे थे कट हो रहे थे, सेम वे यहां भी जो कॉमन थे वो कट हो गए। वहां फर्क क्या था, वहां सिर्फ हम ए के मेंबर रख रहे थे वही हमारा आंसर था, जो बचे हुए ए के मेंबर थे वही हमारा आंसर था, पर यहां कंडीशन चेंज है। यहां कंडीशन क्या है, जो ए और बी दोनों में बचे होंगे हम वो रख लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी, कैसे, फिर से जो ए में बचे होंगे और बी में उन दोनों को मिला के रखेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो ए में कौन से बचे हैं 2 4 6 और उधर कौन से बचे हैं 5 7। अब जरा इनको सीक्वेंस में लिख लेते हैं, इधर 2 बचे हैं, देन 4 बचे हुए हैं, फिर 5 भी बचे हुए हैं, फिर 6 भी बचे हुए हैं, एंड देन इन द एंड 7 बचे हैं। तो भाई ये हमारा डेल्टा बी का आंसर है, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस इसको कहते हैं। आज जान लेते हैं आखिरी हमारा ऑपरेशन है जो कि है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अ सेट का एक सेट भी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली जो ताल्लुक होता है सिंपली वो होता है हमारे यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल सेट या फिर फादर ऑफ ऑल सेट, सब सेटों का बाप या फिर सब सेटों की माँ को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, यानी कि सारे के सारे जो सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट से निकले हुए। ठीक है, अब यहाँ मैंने यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ ए इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9, तो अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है तो मुझे ए के एलिमेंट जो है वो यूनिवर्सल से क्या करने हैं कट करने, और जो बचने वाला है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। रिपीट करता हूं कि ए के एलिमेंट मैं यूनिवर्सल से कट करूंगा तो जो बाकी यूनिवर्सल में बचने वाले हैं वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। जी आए करके देखते हैं जरा, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये कॉमा समझ लें आप इसको एपोस्ट्रोफी, ये हम लेटर के ऊपर लिखते हैं, अब दिस इंडिकेट्स द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब जरा जान लेते हैं कट कौन से रहे हैं। सपोज यहाँ एक है तो ये वन में कट हो गए, यहाँ पे क्या है थ्री, यहाँ थ्री से कट हो गए, यहाँ है फाइव, ये फाइव से कट हो गए, यहाँ है सेवन, ये सेवन से कट हो गए, और है नाइन, यहाँ हमारे नाइन भी कट हो गए। तो ए के जो सारे के सारे एलिमेंट थे वो कट हो गए, बकाया यूनिवर्सल में क्या बचा हुआ है 2 4 6 8 10, तो हम ये लिख लेंगे 2 4 6 8 10, तो भाई ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया।
जी, तो ये थे हमारे ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अभी भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।